श्री विवेक गुप्ता। चेयरमैन सर, थैंक यू। सर, मैं आपके माध्यम से कुछ बोलूं उसके पहले मैं संविधान के दो धाराओं का मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, धारा नंबर 24 है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। सर, धारा नंबर 23 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग इन फोर्स्ड लेबर। सर, माइंड किया जाए फोर्स्ड लेबर। सर, 18 साल के बच्चे से पहले हम उसको वोट देने नहीं देते क्योंकि वो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता है। 18 साल से पहले हम उसको शादी करने नहीं देते क्योंकि उसको हमको लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति नहीं शादी। तो सर, 18 साल के पहले हम उसको काम करने पर मजबूर कैसे करते हैं? सर, मुझे ये नहीं समझ में आता कि 18 साल के पहले वो कैसे इस स्थिति में आ जाता है कि फैसला कर सके कि मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और हैजर्डस है कि नहीं है। सर, ये चॉइस तो उस बच्चे की होनी चाहिए, हम लोग क्यों चॉइस कर रहे हैं कि वो हैजर्डस है कि नहीं। सर, इससे मैं सर ये जैसे पिछले क्लास बच्चों को रिपीट कराया जाता है जब वो लेसन नहीं सीख सकते हैं, उसी तरह 2012 में कुछ गलतियां जो पिछली सरकार ने की थी, इस सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपके माध्यम से, शायद मंत्री जी इन गलतियों को सुधार दें। सर, मेरे पिछले साल मैंने एक स्पेशल मेंशन दिया था इसी सब्जेक्ट पे, उसमें मैंने सरकार को चेताने का और आगाह करने का भी चेष्टा किया था कि सर, फैमिली एंटरप्राइज में जो है आर्टिस्ट और फैमिली एंटरप्राइज, इनको छूट दी गई है। सर, मजे की बात यह है कि जो हैजर्डस इंडस्ट्री है वो फैमिली एंटरप्राइज में एग्जेम्प्ट हो जाती है। मसलन के तौर पे कारपेट वीविंग, जिसमें बच्चों का हाथ में कई बार सुई तक घुस जाती है। सर, बीड़ी बनाना। सर, घर का काम करना और एग्रीकल्चर वर्क। सर, एग्रीकल्चर में कुछ कुछ बताना चाहूँगा। एग्रीकल्चर को नॉन हैजर्डस में रखा गया है जबकि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे करना एग्रीकल्चर का पार्ट है। हमारे देवुदा हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, आज उन्होंने बताया एक मज़ेदार चीज़ बताई जो मुझे भी नहीं पता थी कि हैजर्ड बच्चों को खेती बाड़ी में जब काम करना पड़ता है तो उनको मिट्टी पाटने के लिए या मिट्टी को हाथ मिट्टी में हाथ सारना पड़ता है, कितनी बार नदी में उतर के काम करना पड़ता है। सर, ये नॉन हैजर्डस है, उसमें बदले कई बच्चे बह जाते हैं, कई बच्चे मिट्टी में डब जाते हैं, मर जाते हैं, मगर वो नॉन हैजर्डस रह जाता है। सर, तो इसलिए सर मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित हो इस पर भी। सर, 12 लाख बच्चे जो हैं वो अभी भी हैजर्डस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। सर, ये कानून होने के बावजूद सर आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन 12 लाख बच्चों को तो हम बचा नहीं पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तो हो नहीं पा रहा है, ये कानून में और ढिलाई अगर हो जाएगी तो और इम्प्लीमेंटेशन का बारह नहीं बच जाए। सर, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है वो भी हम पर हंस रहा है क्योंकि कई बार उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन नंबर 182 में, जिसमें चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने की बात गई, ना हम उस पर रेटिफाई कर रहे हैं, ना हम उस पर कोई जवाब दे रहे हैं। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि मंत्री जी इस पर भी कुछ रोशनी डालें, इस पर भी कुछ जवाब दें। सर, एक मजे की बात और है, अभी नवनीत जी ने कहा स्टैंडिंग कमेटी जो रिपोर्ट नंबर 40, उसी रिपोर्ट में एक बड़ा मज़ेदार ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर तो हम खाली चाइल्ड और एडोलेसेंट कर रहे हैं, कहीं उसको जुवेनाइल बोला गया है, बट उससे भी सर आश्चर्यजनक बात यह है कि हर अलग अलग एक्ट में एक चाइल्ड को अलग अलग डिफाइन किया गया। कहीं उसकी उम्र 14 बताई जाती है, कहीं उसकी उम्र 16 बताई जाती है, कहीं उसकी उम्र 15 बताई जाती है, उसका डेफिनेशन अलग अलग है। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी एक इसी एक्ट के माध्यम से एक चाइल्ड को एक डेफिनेशन में बांध दें। सर, मंत्री जी शायद जानते ही होंगे राइट टू एजुकेशन जैसे पॉजिटिव स्टेप्स में बच्चों का जो चाइल्ड लेबर था वो 12.6 मिलियन से घट के 4.3 मिलियन हो गया। सर, एक लास्ट प्रॉब्लम और बताना चाहूंगा इस बिल में। सर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आजकल एक नया टर्म आया है, जब 1982 में यह बिल बना गया था तब उस समय सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन क्या था हम लोग नहीं जानते थे। एडल्ट्स के लिए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का कानून आ गया, मगर बच्चों के लिए इस बिल में जब वहाँ, क्योंकि ये जहाँ काम करेंगे, चाहे फैमिली में करें चाहे आर्टिस्ट में करें, जहाँ पे भी करें, सर इनको भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, उसका इनके लिए कोई प्रिवेंशन कोई प्रावधान नहीं रखा गया। सर, मेरे कुछ सुझाव है यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि सर एज में नहीं बांधे, बच्चों को स्कूल लिविंग का दर्जा दिया जाए कि जब तक वो स्कूल से पढ़ के ना निकले उनको कोई काम नहीं किया जाए। सर, ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मॉनिटरिंग के लिए कहा जा रहा है, सर मैं चाहूँगा कि लोकल MP या कम से कम उस इलाके से जो भी MP हैं, एक MP को भी रखा जाए क्योंकि MP उस एरिया को लोगों को समझता है। सर, हमारी दीदी का मानना है कि बच्चे कोमल फूल होते हैं, उनको पनपने का खुलने का मौका मिलना चाहिए। सर, इनको स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, नौकरी कराने के बजाय इनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये भी फ्लरिश कर सकें। सर, कुछ
बंगाल का एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी ताकि यहाँ सीख सके। यूनाइटेड नेशन ने हमारी एक प्रोग्राम, हमारी दीदी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम है कन्याश्री। सर ये कन्याश्री क्या है? कन्याश्री ये था सर, हमारे लोगों को जो बच्चे लड़कियाँ, खासकर लड़कियाँ जो हैं उनकी जल्दी शादी हो जाती है, एक आम सच्चाई है सर। इसको डिले करना बहुत जरूरी था, हम लोग चाहते थे कि वो पढ़े लिखें, अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करें। तो अब हमारे कन्याश्री बोल के एक स्कीम चालू हुई है, जो जब लड़कियां 18 साल तक स्कूल में या पढ़ाई लिखाई कर रही होंगी तो उनको एक लमसम रुपया मिलेगा और तब तक उनको कुछ महीना भत्ता भी मिलेगा। सर इसका बहुत बड़ा असर आया है, कई लड़कियों की जो जिनको सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, जल्दी शादी करा दी जाती थी, वो रुक गई हैं और अब वो बचा ली गई हैं और अब वो कम से कम अपना भविष्य खुद तय कर रही हैं। सर इसको यूनाइटेड नेशन ने अप्रिशिएट किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्रिशिएट किया, इसका कुछ अंश हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी देखने को मिलता है। सर युवाश्री एक और काम और एक और कार्यक्रम है। सर इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कार्यक्रम हमारी दीदी ने लॉन्च किया, इसका नाम है सबूत साथी। सर औसतन पैदा किया गया, औसतन ये देखा गया था 45 मिनट से एक घंटा लगता है एक लड़की को स्कूल पहुंचने में या किसी बच्चे को स्कूल पहुंचने में। सर इसके कारण ज़्यादातर बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, 45 मिनट से एक घंटा लगता था स्कूल जाने में और उससे ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते थे। तो इस एक घंटे को कम कैसे किया जाए? तो इसके लिए दीदी ने एक ब्रेन चाइल्ड निकाला, उन लोगों को साइकिल दिया गया। अब ये बच्चे 10 मिनट से कम में भी अपना स्कूल पहुंचते हैं और इनका जो स्कूल ड्रॉपआउट रेट है बंगाल में तो बहुत कम हो गया है। अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल वाइड अडॉप्ट करे तो बहुत बढ़िया हो सकता है, साथ में इनके सोशल डेवलपमेंट का भी ख्याल रखा जाए। सर अपराजिता बोल के और मैल न्यूरिस्ट बच्चों के लिए भी हम लोगों ने स्पेशल कार्यक्रम किया और अपराजिता बोलकर भी एक प्रोग्राम चालू किया, जिसमें DD1 दूरदर्शन में हम लोगों को अवेयरनेस दिला रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को काम पे मत लगाओ। सर अंत में मेरे पास समय है, अंत में एक चार लाइनें और कहना, बच्चों की आवाज़ में आपको संबोधन कर रहा हूँ। सर ज़रा सा काम हूँ मैं, फिर भी नामुकम्मल हूँ मैं, यहाँ मिले हैं सभी मुझको टालने वाले। थैंक यू सर, धन्यवाद।